टाउन ढूंढ रहे हैं बट हमें टाउन मिल नहीं रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कहीं तो पहुंच पाए बट आप देख सकते हो कि सब थके हुए हैं। ये देखिए इनको, थके बेहाल हो चुके हैं। क्या किया आपने जो आप थके हुए हो? ये देखिए वो सबसे आगे फुल एनर्जी में है, सड़क ढूंढ रहा है कहाँ है मेन सड़क जहाँ से हम जा पाए। यहाँ पे मेन सड़क आ चुकी है, आई थिंक हम कुछ तो यहाँ पे से शॉप कर पाएंगे, एटलीस्ट बनाना चिप्स, बनाना चिप्स ले पाएंगे, बनाना चिप्स ले लेंगे भले ही खाए ना। हम लेने वालों में से हैं, खाते वालों खाने वालों में से नहीं है। कांजीवरम यही की केरला की है, कहा नहीं केरला की तो अलग हो, केरला की केरला साड़ी ऐसा बोला उसने, मैंने पूछा था कांजीवरम। ये हमारा लड़का यहाँ खड़ा हो गया बीच में बिल्कुल सड़क पे, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ क्या मिल सकता है। कुछ मिल रहा है? ऑटो दिख रहा है, रमाडा है, रमाडा तो नहीं जाना है। ये आप देख सकते हैं मेन सड़क है, ना जान पता कहाँ पे करना है। क्या मार्केट का नहीं पता है ना, आइडिया नहीं है यहाँ पे हमें भी। चलो वॉक करते हैं, देखते हैं कहीं पे कुछ मिल जाए तो वॉक करके ही आइडिया लगेगा। कोई बिज्जू बुलाए, बिज्जू बुलाओ। कहाँ है यहाँ पे रमादा होटल वगैरह? तो सेंटर पे मत चलो, सी इधर चलो साइड पे, बैक वाटर के बाद ये एक नाला है। शॉप दिखाओ, शॉप दिखाओ। ओके ये रेस्टोरेंट है, होटल है, ये फूड रेस्टोरेंट है। ये केरला की केरला साड़ी, केरला की केरला साड़ी, व्हाइट साड़ी। चल रहे चल रहे, वॉक कर रहे हम लोग सब, सी ये सारे लोग यहाँ से वॉक कर रहे हैं। नो सब्जी, आई थिंक ये कुछ लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा बट आई थिंक ये चर्च है शायद। चलिए अब आपको मेन टाउन देखते हैं जब कभी मिलता है तो। चलो गाइज अब हम निकल रहे हैं खा पी के, ऑल सेट टू मुन्नार। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस हमारे बैग्स, हाँ एक बार चेक करो, हमने अभी इडली बड़ा, इडली नहीं इडली और सांभर खाया है, चाय पी है ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हो। अब नाउ वी आर लीविंग फॉर मुन्नार। ये देखिए हमारी बोट से निकलने का टाइम हो रहा है, इन भैया की बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, बहुत अच्छा खाना बनाया था, खाना बहुत टेस्टी था और आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आए, आई नॉट वुड आई शुड रिकमेंड कि आप इनकी हॉस्पिटैलिटी देखें, इनकी सर्विस देखें। काम बेबी, ये देखिए निकल रहे हैं हम बोट से, अभी मैं बंद कर रही हूँ, बस अब हम लोग निकल रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ से, हमारा निकलने का टाइम हो रहा है, अब हम मुन्नार जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट हमारा अभी
हम अलूबा जा रहे हैं यहाँ से ट्रेन में. ट्रेन का भी मजा लेना चाहिए. सी द स्टे वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड खाना बहुत अच्छा था. रिवर लैंड क्रूज है ये. आप मस्ट ट्राई जब भी आए इनकी हाउस बोट ले. अब हम यहाँ से अलूबा रेलवे स्टेशन जाएंगे फ्रॉम एलिप्पी एंड देन वहाँ से हमारी कैब है मुन्नार के लिए. हम निकल चुके हैं ऑटो से. आप देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑटो में. अब हम जा रहे हैं एलिप्पी रेलवे स्टेशन. हम आपको ऑटो का रास्ता दिखाएंगे. रेलवे स्टेशन. अब हम चलते हैं अंदर. अपनी गाड़ी का टाइम देखते हैं कितने बजे है. देखते हैं लेट है कि नहीं है. यहाँ पे आइडिया लग जाएगा आई गेस. ये इनका बोर्ड है. ये टिकट काउंटर. जो इन्फॉर्मेशन आ रही है थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. स्टिल विल सी विद द ट्रेन नंबर 12592. प्लेटफॉर्म नंबर इज नॉट मेंशन. विल सी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. एक बार ये लोग आ जाए. हेल्प करूं क्या? आई थिंक यही है 12512 रप्ति सागर गोरखपुर जंक्शन 9295. प्लेटफॉर्म नंबर मेंशन नहीं है. है दो प्लेटफॉर्म है तो जा नहीं पाएंगे ना. इनसे पूछा नहीं तो इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं ना. राप्ति सागर का कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है. और 2 घंटे देर से क्या लिखा है. ऐसा क्यों आ रहा है स्थिति में. ऐसा ना हो जाए यार. देर से क्यों दिख रही है ऐसा मुझे लग रहा है. लेट है क्या. लेट इसमें दिखा रहा है लेट है. 2 घंटे लिखा था. नहीं 2 आवर्स लिखा था. दोबारा पढ़ो. अभी आज रुको हम अभी देखते हैं. लेट सही है. 0.02 आवर्स इसका क्या मतलब होता है. क्या मतलब होता है. 2 मिनट होता है. 2 घंटे होते हैं. अनाउंसमेंट हो जाएगा. चलो फिर अंदर तो चलो. ट्रेन तो नजारा तो ले कैसा है ना. ट्रेन का नहीं सॉरी है स्टेशन का. देखो करेक्ट कर रही है मुझे ये. ये यहाँ का स्टेशन है. आई गेस 2 ही प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से यहाँ पे.
चलो आगे की तरफ बैठते। अभी कहाँ आए गए? अभी तो 9:30 बजे, साढ़े 8 बजे है। पूरा स्टेशन आपको कवर करके दिखा रही हूँ मैं। फिलहाल तो अभी 8:30 हो रही है और हमारी ट्रेन 9 बजे की है। आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं ट्रेन बोर्ड करके। हेलो गाइस, तो हम अलूबा स्टेशन पहुँच चुके हैं। दिस इज अलूबा स्टेशन एंड यहाँ से अब हम जाएंगे मुन्नार। मुन्नार के लिए हम कैब का वेट कर रहे हैं अपनी, जो हमने कैब बुक कर रखी है। एंड देन निकलेंगे हम मुन्नार के लिए। ठीक, बैग्स, सारे बैग्स हैं। लेट्स सी मुन्नार में कैसा वेदर रहता है। चलिए मिलते हैं आपको मुन्नार की वादियों में। कैब ले ली है, अब हम जा रहे हैं मुन्नार एंड सब बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह पे। अब हम आपको मिलेंगे बीच बीच में, जो जो हमारे स्पॉट्स पड़ेंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है और कौन से प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो। जो जो हम विजिट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अभी तो बहुत टाइम है मुन्नार पहुँचने में, बट जो भी बीच में पॉइंट रहेगा उसको हम कवर करेंगे और हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ में। मिलते हैं कोई ना कोई स्पॉट पे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो अब हम लोग मुन्नार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो केरला फेमस है स्पाइसेस के लिए वो हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा गार्डन है स्पाइसेस का एंड हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है इस गार्डन में, क्या स्पाइसेस का गार्डन है। कहाँ गया वो? टिकट्स लेने हैं कि क्या है? टिकट काउंटर है वहाँ पे। ओके चलो, उधर बीच में क्यों खड़े हो? उधर अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर। टिकट्स लेने के लिए गए हुए हैं अभी एंड देन विल सी स्पाइस गार्डन के अंदर क्या है। अभी आपका सही है? सही है। अभी ठीक हो? ठीक फील कर रही हो? तुम सही हो? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लेने आई हो तुम यहाँ से? मसाले लेके जाओगी यहाँ से? स्पाइस गार्डन मतलब मसालों का गार्डन। स्पाइस गार्डन है। नहीं, आप लोग सारी उसको चीज देख रहे हो? सारी ड्रेस ले लिया? नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। अभी हम वेट कर रहे हैं अभी अंकित का, वो टिकट काउंटर से टिकट लेने गया है, तभी हमें एंट्री मिल पाएगी इस जगह में। आप देख सकते हैं कि मुन्नार स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन स्टार्ट होने वाला है, राइट? ये देखिए, केरला की वादियों में हम आ चुके हैं। अब इन वादियों का नज़ारा हम लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। लेट्स सी हमें गार्डन में यहाँ क्या क्या मिलता है। अभी हमारा टिकट नहीं आ पाया है। एंटर करने के बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंट्री कर चुके हैं हम स्पाइस गार्डन में। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आता है। हमें गाइड करने के लिए भी शायद वो है जो हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे अबाउट द स्पाइसेस। यूपी यूपी
are you comfortable with Hindi also? Hindi is okay. So whichever way you can explain, because she understands Hindi. Hindi. For us it is okay. English. Yes, whatever you can explain in English, just try to do that. Please. That is the use for in Ayurveda medicines. Ayurveda medicines plants is available, and spices tree also. Okay, and other side is forest area. It's not allowed there, and here only for in a demonstration. So only for demonstration and here and explain all of that. Oh. ये ट्रांसलेटर है, एक ट्रांसलेटर है, ये दूसरा गाइड है। आप एक गाइड से तो मिलवाया होगा ना? हाँ, एक गाइड से मिलवाया है। क्या है? काली मिर्च का पेड़ है। काली मिर्च का पेड़ है। तोड़ने के बाद अलग अलग प्रोसेस है। ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, रेड पेपर एंड ग्रीन पेपर। इट्स अ बेल टाइप। दिखाओ। It's a pepper plant, it's bale. So just a support for this tree. It's a mango tree. And it's any trees and goes full. And that is the seed. It's a green one. Okay. That is the pepper. वो है मम्मी देखो। हाँ देख रहे हैं ग्रीन क्या तरह। बीज जो लगे हैं ऊपर। That's ready to pick for dark greenish color. कहाँ है? I'm not able to see बड़े बड़े दाने नहीं देख रहे हैं। इतने सारे छोटे छोटे वो। अच्छा। काली मिर्च के जैसे। Next day is just wash it and remove for the skin. Automatically remove skin. After dry and use for white pepper. So only, basically yeah, every only, color comes from this tree yeah, only. Yeah, yeah. It's okay. Processing is alag alag. Only okay. One plant is available for us. Black pepper, white pepper, red pepper, green pepper. So that is the red pepper. Medicinal values also. Black pepper and Ayurveda cup syrup. That is the use for in a black pepper. सो ये पेड़ है पेपर का, ब्लैक पेपर का, आप देख सकते हो सीड्स है। आई थिंक यू कैन नॉट सी इट, बट आप थोड़ा बहुत अगर चेक देख पाओ तो इसी पेड़ से ही ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, सब तरीके के पेपर इसी पेड़ से आपको मिलेंगे। प्रोसेस करने का तरीका इट्स डिफरेंट एज पर हर, प्रोसेस वाइज इट्स सेपरेट, अदरवाइज सब इसी पेड़ से। राइट, तो आंखों के लिए सही है एक पार्ट इसका, अगर आई साइड चला ठंडा है ना अंदर। अच्छा, रेड सैंडल। अच्छा सैंडलवुड वाला, तो स्मेल होगी इसमें, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। राइट, व्हाइट सैंडल, रेड सैंडल में नो स्मेल। आइसक्रीम, अच्छा फ्लेवर, ओके।
वनीला एसेंस ओनली फॉर गेटिंग एसेंस, इट्स अ क्रॉस पोलिनेशन, इट्स अ मेल एंड अ फीमेल फ्लावर वनीला का, वनीला का जो फ्लेवर खाते हैं उसमें इसी के थ्रू होता है, ये एसेंस, एसेंस मिलता है, एसेंस वनीला का। व्हाट इज दिस? चॉकलेट बनाना? नहीं, चॉकलेट बनाने के लिए खोया है। ओके, चॉकलेट बनाने के लिए। ओके, इनसाइड ऑफ द सीड, सेड इनसाइड ऑफ द सीड, जस्ट लाइक फॉर कस्टर्ड आप, यू नो, कस्टर्ड आप, सो लाइक दैट, एंड इनसाइड ऑफ द सीड and roasted and make it powder. Okay, powder. Okay. Cocoa powder is good for calcium. And for your healthy bones, huh? Yes. अब आप bone बेटा किसी के coco powder use किया? Healthy bones के लिए। हाँ और क्या? देखो सूख ही गया, नहीं नहीं, है ना? मतलब इसी के अंदर बीज होगा ना, seed? नहीं, ये वही है जो अभी बता रही थी, वो coco powder वाला। ये सारे coco? हाँ। नेक्स्ट इज चित्तरता, इट्स द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनदर रोड्स, अडुलसा, यू नो, अडुलसा कफ सिरप, अडुलसा, इट्स अ कफ सिरप, या, एंड दैट इज द आडतोडा वसीकन, दैट इज द वन ऑफ द प्लांट, आल्सो मिक्स इट विद द, इट्स अ गुड फॉर द थ्रोट इंफेक्शन एंड लंग्स प्रोटेक्शन, बीसी प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डस्ट एलर्जी, यू नो, people used it during COVID time or not? COVID time, just smell it, smash it and smell it. Correct. And so with the oil is the good part. Oils nikalne ke baad, it's a black color part. That is the, it's not good part. And with the oil is the brownish color. लॉन्ग का पेड़ है ये वाला, आप देख सकते हो, लॉन्ग पेड़, लॉन्ग का पेड़, हाँ, दिस इज सेम जायफल। Mm-hmm.